जैसे अब मैंने अपने टिल्लू की तनख्वाह देनी है, तो वो बड़ी ऐसी ऐसी सलाहें दे रहा है जैसे अगर मालिक तनख्वाह ना दे तो उसके गले में चाकू लगा दो या अगर मालिक तनख्वाह ना दे तो उसकी जेब काट लो। कुछ अजीब सा हो रहा है। और घरों में धीरे धीरे क्या होता है, चिरान सुनते तो लड़ाइयाँ टाइप शुरू हो गई हैं। अब औरतें जो है विमुख हो रही हैं, मतलब रोमांस के टाइम में वो जो है गाने सुन रही हैं। तो ये पूरा एक क्योस है इसके अंदर, बड़ा खूबसूरत तरीके से इसको प्रेजेंट किया। हाँ, पड़ोसन आती एकदम से कान खड़े हुए उसके कि हाँ, वो तो है ही ना, वो तो होगा ही। अब अगला सीन कैसा आता है उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, वो गाना उन्होंने जो बजाया था, थोड़ा सा अगर आप गुनगुना दें, क्योंकि वो आप पर तो ऊपर आपके मरहला पे पूरा सूट करता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, अफसोस है ये कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। नहीं, बहुत चिरान फैलाएगा वो, पूरे लोगों को आपस में झगड़वाएगा, हप्पू सिंह दरोगा से लेकर और रोटी का मलखान तक। कुछ लोग बहुत तारीफ़ करेंगे, कुछ लोग उसकी बुराई करेंगे, और ऐसे जो है वो क्योस मच जाएगा पूरे मोहल्ले में। थैंक यू। थैंक यू।